तारीख खुद को दोहराती है और बार बार दोहराती है ताकि उससे सबक सीखा जाए, लेकिन लगता यूं है कि पाकिस्तान ने तारीख से कुछ नहीं सीखा और न सीखने को तैयार है। इसका मतलब यह है कि चार बार तैमंत तार तार करवाने के बाद अब उस तैमंत को भी चीथड़े करवा देना चाहता है जिसे कोई मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं है। यानी अनुच्छेद 370 पर चली बहस के पीछे इस्लाम नहीं बस इस्लामाबाद है जिसकी गद्दी के लिए सारी जद्दोजहद हो रही है। मेरा मानना यह है कि डील वही शख्स करता है जो कमजोर होता है, जिसके पास कोई चॉइस नहीं होती। डील तोड़ता कौन है यह कमजोरी और ताकत पर निर्भर नहीं करता, यह हालात के ऊपर डिपेंड होता है। कहने वाले यही कह रहे हैं कि इमरान खान का पलड़ा अब इतना झुक गया है कि वह भारत के साथ की गई संधियों को तोड़कर अपने पलड़े को थोड़ा ऊपर उठाना चाहते हैं। पर सवाल यह है कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं उन्हें इसका भी ज्ञान होना चाहिए कि ऐसी संधियों और समझौते कूटनीति के आधार स्तंभ होते हैं। वह उन दरवाजों की चाबी होती है जिनमें ताले लग चुके होते हैं या उनमें जंग लग चुका होता है। कश्मीर मुद्दे पर मुंह की खा चुके पाकिस्तान के हुक्मरान अब शिमला समझौते पर आक्रामक हो रहे हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि इस समझौते ने पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है, इसलिए अब इसके तोड़ने का वक्त आ गया है। लबलुआब यह है कि इमरान खान अपने मदरसा छाप सलाहकारों से राय मशवरा कर रहे हैं कि शिमला समझौते से कैसे पीछा छुड़ाया जा सकता है। दरअसल 2 जुलाई 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच यह समझौता हुआ था। इस समझौते का सबसे खास बिंदु कश्मीरी था, जिसमें स्पष्ट है कि कश्मीर सहित सभी द्विपक्षीय मुद्दों का समाधान आपसी बातचीत से ही किया जाएगा और उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नहीं उठाया जाएगा। आज अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान इसी शिमला समझौते की वजह से अलग थलग पड़ा हुआ है। दुनिया के सभी मुल्क पाकिस्तान को इसी का वास्ता दे रहे हैं। दुनिया भी इस समझौते की वजह से भारत के खिलाफ नहीं बोल पा रही है। कल इमरान बोले जरूर, अपने मुल्क की जनता का मनोबल बनाए रखने के लिए वे कुछ भी बोल सकते हैं। दुनिया का हर नेता ऐसे ही करता है। पर सवाल यह है कि शिमला समझौते को बलि का बकरा बनाने से क्या होगा? इससे तो पाकिस्तान खुद ही बर्बादी के घेरे में आ जाएगा। यहां यह भी गौरतलब है कि केवल कश्मीर ही नहीं भारत के साथ और भी कई द्विपक्षीय मुद्दे हैं जो इसी समझौते के आधार पर हल किए गए या हल किए जाने हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो नियंत्रण रेखा का है। इसके तोड़ने का मतलब यह होगा कि भारत नियंत्रण रेखा में बदलाव करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। इसके लिए भारत के पास पावर भी है और सामर्थ्य भी। जो दो रास्ते भारत और पाकिस्तान के बीच खोले गए थे उन्हें भी बंद कर दिया जाएगा। व्यापार और आर्थिक सहयोग के वादे खत्म हो जाएंगे। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकातों पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तभी तो कहा है कि तारीखों से पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं लिया। 4 युद्धों में बुरी तरह हारा, बाद में पराजित तैमंत के साथ भारत के सामने गिड़गिड़ाया। अब 5वीं दफा जो बंदरगुड़ की दे रहा है उसका अंजाम क्या होगा? ऐसे में एक शायर की पंक्तियां मुझे याद आती है, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। पर मुझे लगता है हिंदुस्तान से ज्यादा सवाल तो खुद पाकिस्तानी ही इमरान खान पर उठा रहे हैं। भारत के नेता उस पर इतना नहीं बरस रहे जितना खुद पाकिस्तानी अवाम उसकी घेराबंदी कर रहे हैं। जुल्फी बुखारी और मुराद साहब जैसे चाटुकारों से घिरे इमरान खान से लोगों ने पूछ लिया कि वाजपेयी सरकार ने 5 परमाणु धमाके किए थे, जिसके जवाब में नवाज शरीफ ने 6 धमाके करके भारत को जवाब दिया। इमरान खान ने कश्मीर पर मोदी को क्या जवाब दिया है? कुछ सवाल जायज होते हैं, पाकिस्तानी अवाम को जरूर पूछने का हक बनता है। इमरान के शेख चिल्ली यानी शेख रशीद ने मदरसा कौम को बढ़िया जवाब दिया है। उन्होंने कह दिया कि वो 6 धमाके नवाज शरीफ ने नहीं किए थे, बल्कि उन्हें करने वाले गोहर अयूब, राजा जफरुल्ला और वह खुद थे। यह अलग बात है कि वह ऐन वक्त पर पाकिस्तान को छोड़कर भाग गए थे। मुझे लगता है तब्दीली का नारा लेकर सत्ता में आया इमरान खान पाकिस्तान की माटी का अंतिम उल्लू नहीं है। यहाँ तो ऐसे उल्लुओं की भरमार है, फिर इस मुल्क को आबाद कौन कर सकता है जब चारों तरफ उल्लू ही बैठे हैं? देर सवेर इसका बर्बाद होना लाजमी है। भारत को कोई हमला करने की क्या जरूरत है? यहाँ तो खुद ही तोड़फोड़ चल रही है। जिस मुल्क में कचरे से शुरू हुई लड़ाई सिंधु देश की मांग तक पहुंच जाए उसकी देश की हालत का अनुमान लगाना कौन सा मुश्किल काम है? अब असर यह है कि
कश्मीर पर शिकस्त मिली तो कराची पर आ गए। कराची का मुद्दा ठंडा पड़ेगा तो क्वेटा चले जाएंगे, क्वेटा नरम पड़ेगा तो केपी पहुंच जाएंगे। पर बड़ी बात यह है कि भारत के साथ किया शिमला समझौता तोड़ेंगे तो इन्हें कैसे पाकिस्तान से जोड़ेंगे। अब इमरान खान इसी शिमला समझौते को मुख्य मुद्दा बनाकर लड़ने की सोच रहे हैं, पर जुल्फी बुखारी ने उन्हें इतना जरूर बताया होगा कि यदि यह समझौता तोड़ा गया तो पाकिस्तान को अपनी 6 लाख की फौज को LOC पर तैनात करना पड़ेगा, क्योंकि हाजी पीर दर्रा भारत की नजरों से बचाकर रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर भारत किसी समझौते से नहीं बंधा होगा। नियंत्रण रेखा स्वतंत्र रेखा बन जाएगी, जहां से हिंदुस्तान की सेना को आगे बढ़ने से रोकना पाकिस्तान की गद्दिया फौज के बस की बात नहीं होगी। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।